तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पेरेंट की स्टोरी बताने वाले। मैं वो दिन से स्टोरी नहीं बताया, तो आज की इस एपिसोड में आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान लगा के सुनो। तो सबसे पहले रुको, इंस्टाग्राम में आप नए हो, आप इंस्टाग्राम में जाके फॉलो और लाइक कर दो। जल्दी से जाके फॉलो और लाइक कर दो। तो मैंने नाम बदल दिया है, गैजेट ऑल डोरेमोन है। जाके देख लो, गैजेट ऑल डोरेमोन सर्च पे इंस्टाग्राम में डाल दो, तो वहाँ फॉलो कर दो और लाइक कर दो। आज मैंने नया पोस्ट डाला है, तो जाके लाइक और नहीं फॉलो कर दो, सब्सक्राइब क्यों बोल रहा। हाँ, तो परमा की स्टोरी, चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि वो हाथ में लेने के बाद वो चमकतेदार उस तो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हो जाने के बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं, पूरी तरीके से बेहोश हो जाते हैं। तो सीन कट हो जाके परमैन की तरफ आ जाता है। परमैन समुद्र में डूबता रहता है, उसके पास बैच रहते हैं, उससे बच जाता है वो। और तैरते तैरते ना एक गुफा के अंदर चला जाता है। बारिश हो रही रहती है, तो बारिश हो रही रहती है इसलिए वो थोड़ी टाइम गुफा में रह जाता है। और उसको ज़ोरदार भूख लग जाती है, और उधर समंदर भी रहता है। और वो लकड़ी से कैसे भी ऐसे पत्थर रहते हैं ना, उसको मार के किसको आ रहे, मछलियों को मार के खाना खा रहता है। वो आग लगाते हैं ना, लकड़ी उधर ही पास रहती है, वो तोड़ के लेके आ जाता है। लेके आ जाने के बाद वो अपना टाइम रात में उधर ही बिता देता है। और सुबह हो जाने के बाद और परमन के सीन कट हो जाने के बाद परमन जो रहता है उधर आइलैंड में उसको तो ढूंढ नहीं, एक बुज़ुर्ग आ जाता है। बुज़ुर्ग आ जाने के बाद वो बोलता है कि तुम यहाँ कैसे कर, आपको ने आप इधर क्या कर रहे, बुज़ुर्ग बोलता है। फिर परमन बोलता है कि मैं ऐसे ही तैरते तैरते आ गया, मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, प्लीज़ मुझे परमन की। और वो बुज़ुर्ग को शक हो जाता है कि ये परमन तो नहीं। तो वो बुज़ुर्ग बोलता है कि तुम परमन हो। हाँ मैं परमैन हूँ, आपको कैसे पता चला। अरे मैं भी पिछले जन्म में परमैन रह चुका हूँ, तो अभी बूढ़ा हो चुका हूँ इसलिए मैं परमैन की ड्यूटी छोड़ चुका हूँ, वैसे बोलता है। और परमैन बोलता है कि आप बर्डमैन को जानते हो। बर्डमैन, मैं तो बर्डमैन के पापा को जानता हूँ, मैं उनको नहीं जानता। क्या, बर्डमैन के पापा, बोल देता है परमैन। बर्डमैन के पापा, मैं तो बर्डमैन को जानता हूँ। और बुज़ुर्ग बोलता है कि तुम वो बर्डमैन की बात कर रहे हो। वो भी, उसको कुछ नहीं आता था, बर्डमैन के पापा ने ही सिखाया सब, परमैन सूट उसने ही किया है। क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल देता है। और परमैन नहीं, बूढ़ा आदमी बोलता है कि हाँ ये सच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, आपको कैसे पता चला, बोलते हैं कि आपको कैसे पता चला। मैं बोर्डमैन से बातें करता हूँ और उनका ईयर फोन तो है, उनसे कॉल करते हूँ और सब परमैन के बारे में जानता हूँ। पाको, मिक्सो, मिक्सो भी तुम भी हो ना मिक्सो। हाँ आपको कैसे पता चला, मुझे पता है। और पाको और मूवी पायन सबको जानता हूँ। अच्छा, तो आप सबको जानते हैं, बोल दे। तो आप हमारे देश में क्यों नहीं आ जा
आ जाते, बोलता है परमैन नहीं मेरा इधर ही घर है, चलो मैं इधर आपको उधर छोड़ देता हूँ, आप मुझे आपको क्यों बोल रहे, बोल देता है मिक्सो, नहीं वैसे ही बोल रहा हूँ, वैसे ही बोल रहा हूँ रहता है। और सीन कट हो के डायरेक्ट मिक्सो, नहीं मिक्सो के दोस्त और बर्डमैन पे आ जाते हैं। बर्डमैन सबसे पहले उठ जाता है ब्लास्ट होने के बाद, वो उठ जाता है, उठ जाने के बाद सबको उठा देता है पानी से, समुंदर से पानी से लेके उन सबको उठा देता है। उठा देने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ मैं कहाँ हूँ, सब परमैन के दोस्त बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, उसको कुछ नहीं पता चलता। इधर बर्डमैन बोलता है कि इधर ब्लास्ट हो गया था इसलिए इधर हम बेहोश हो गए रे। और परमैन के दोस्त बोलते कि अच्छा तो ऐसी कहानी क्या, मैं तो ब्लास्ट के वक्त ही पूरे बेहोश हो गया रहता। और वहाँ से भी सीन कट हो जाके और परमैन के और बूढ़े आदमी के पास जाता है, और बूढ़ा आदमी उनके घर लेके जाता है, और लकड़ी का बना रहता है उनका घर, लकड़ी से ये रहता है, और वो बहुत अमीर रहते हैं। तो परमैन को आगे जाके कुछ तो होता है, वो अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय। रुको रुको रुको, इंस्टाग्राम खोल के फॉलो कर दो यार, फॉलो कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय, सायोनारा, टाटा। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.